Assalamu alaikum, this is me Shamir from the platform of Makan Solution. Welcome back with another video of Capital Smart City Overseas East Sector B and Sector C. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Overseas East Sector B और Sector C में डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर बी में क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ओवरसीज ईस्ट के मेंबर्स के लिए वो है स्कूल यानी एजुकेशन का सिस्टम। स्मार्ट सिटी में ये वाहिद ब्लॉक है जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम यानी स्कूल फुल्ली ऑपरेशनल है, जिसकी अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो इस स्कूल का टोटल एरिया 8 किनाल है। अगर ग्राउंड वगैरह को मिलाया जाए तो टोटल 12 किनाल के रकबे पे ये स्कूल यहाँ मौजूद है, जहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग का आगाज़ भी कर दिया गया है। टीचर्स की ट्रेनिंग वहाँ पर कंप्लीट हो रही है और साथ ही साथ बात की जाए तो इन्हीं टीचर्स को सेक्टर सी में जो विलाज हैं उन विलाज में अकोमोडेट भी किया गया है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट स्टेम के नाम से एक नए एजुकेशन सिस्टम का भी आगाज़ किया गया है। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो स्मार्ट स्टेम कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स कैंपस ओवरसीज प्राइम 1 में भी बनाया जा रहा है। बात करें सेक्टर बी की तो ये तीनों साइड से पार्क से सराउंडेड है। इसकी एक साइड पे सेंट्रल पार्क और दो साइड पे लीनियर पार्क हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। बात करें इसकी फ्रंट साइड की तो फ्रंट साइड पे फ्लावर शो पार्क जिसको हम सेंट्रल पार्क कहते हैं कंप्लीट है, और एक पार्क इसका लीनियर पार्क जो सेक्टर बी और सेक्टर ए के दरमियान में है। इसमें एक प्लेन का रेप्लिका भी मौजूद है जिसको इन फ्यूचर सोसाइटी एयरप्लेन रेस्टोरेंट के नाम से लॉन्च करने जा रही है। और इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे सेक्टर बी और सेक्टर जे के दरमियान में एक लीनियर पार्क है जहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह और जॉगिंग ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगर लिविंग के लिहाज से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल लिविंग सेक्टर बी में देखने को मिलती है। वजह ये है कि ना यहाँ पर कोई हाई राइज कमर्शियल है। सेक्टर ए में सेक्टर मार्केट ज़रूर है, सेक्टर बी में सेक्टर मार्केट ज़रूर है, लेकिन वो स्कूल से ऑपोजिट साइड पे है। तो ग्राउंड प्लस 5 की बिल्डिंग स्कूल की है और जो 4 मरला कमर्शियल आने हैं वो भी ग्राउंड प्लस 5 के ही आने हैं। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे इनका कोई ड्रॉबैक नहीं है। सेकेंड अगर बात की जाए तो इस ब्लॉक के अंदर 1 किनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं, जहां पर अगर देखा जाए तो इस टाइम पे क्लाइंट्स ने अपनी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी है और सोसाइटी की तरफ से देखा जाए तो 46 विलास कंस्ट्रक्टेड हैं, जिसमें से 23 विलास जो हैं वो कंटेम्प्रेरी स्टाइल के हैं और स्ट्रीट नंबर 4 में मौजूद हैं, और 23 विलास जो हैं वो इब्ने सीना रोड पर मौजूद हैं जो कि 50 फिट वाइड रोड है और ये जॉर्जियन स्टाइल के विलास हैं। थर्ड अगर बात की जाए तो इसके बिल्कुल सामने आपको एक्सेस 3 रोड देखने को मिल जाती है जो कि 180 फीट वाइड है, जो आपको जो चक्री रोड के ऊपर गेट नंबर 2 है इससे कनेक्ट करती है, और जहां से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज भी मिल जाता है। अब बात करते हैं सेक्टर सी की। ये वो सेक्टर है जो सबसे पहले लॉन्च किया गया था और सोसाइटी में सबसे पहले स्टार्ट होने वाली बिल्डिंग सेक्टर सी की मॉस्क है जो कि 2020 के बाद ऑपरेशनल कर दी गई थी। यहाँ पर सोसाइटी की जितनी भी मैनेजमेंट है स्मार्ट सिटी की या जितने भी मजदूर हैं इस टाइम पे इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। बात की जाए सेक्टर सी में रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से तो सेक्टर सी में 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं, और अगर कमर्शियल की बात की जाए तो सेक्टर सी में लेक व्यू हाइट्स के नाम से 10 किनाल का एक हाई राइज कमर्शियल मौजूद है जो कि ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड प्लस 3 बेसमेंट्स हैं। अब आते हैं विलास की तरफ। तो यहाँ पर 3 किस्म के विलास मौजूद हैं, जॉर्जियन, कंटेम्प्रेरी और मेडिटेरियन विलास। ये वो विलास हैं जहाँ पर ग्रुप सीओओ मलिक असलम साहब भी रिहाइश पजीर हैं, और इनके साथ ही साथ देखा जाए तो सोसाइटी मैनेजमेंट और साथ ही साथ जो सेक्टर बी में स्मार्ट स्टेम स्कूल है इसकी मैनेजमेंट भी यहाँ पर रिहाइश पजीर है। इसमें आपको स्ट्रीट नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 पे विलास मिलते हैं। इसके साथ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 स्ट्रीट पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, और जो R1 रोड पे 10-10 किनाल के हाई राइज कमर्शियल के फेसिंग प्लॉट्स हैं जिनमें से एक प्लॉट के ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर दी गई है जिसपे लेक व्यू हाइट्स 10 किनाल की बिल्डिंग बनाई गई है, और जो बाकी 2 10-10 किनाल के प्लॉट हैं अभी तक इनके ऊपर डेवलपमेंट नहीं की गई। आने वाले दिनों में या तो स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट इसके ऊपर कुछ बना के क्लाइंट्स को सेल आउट करेगी, अदरवाइज ये प्लॉट किसी इंडिविजुअल को सेल आउट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो सोसाइटी में आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी में आ रहा है वो है लामेर, जो सेक्टर सी के बिल्कुल सामने मौजूद है जिसमें सिर्फ 1 रोड का डिफरेंस है जो कि है R1 रोड।
लामेयर बेसिकली दुबई की तर्ज पर बनाया जाने वाला कमर्शियल है। लामेयर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, मतलब कि वाटर बॉडी के किनारे पे एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जहां पर आप वॉक भी कर सकते हैं। बेसिकली सोसाइटी के पास 10,000 केनाल पे चहान डैम का रकबा मौजूद है जो सोसाइटी ने 99 ईयर्स की लीज पे लिया हुआ है। अब जब लामेयर की सराउंडिंग में कंस्ट्रक्शन होगी तो वहां पर एक बहुत बड़ा वॉकिंग डिस्ट्रिक्ट बनेगा, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होगा। 2024 के एंड में इंशाल्लाह आपको स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज भी ऑपरेशन होता हुआ नजर आएगा और इसी को देखते हुए यहाँ पर 800 से 900 घरों में आबादी भी नजर आएगी और साथ ही साथ आपको लामेयर में भी कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी, जिसका एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको सेक्टर सी पे नजर आएगा। सेक्टर सी की दूसरी तरफ लीनियर पार्क मिल जाता है और इसके साथ ही सेक्टर आई के कमर्शियल्स और यहाँ पर वन कैपिटल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी बन रहा है। और अगर बात की जाए इसकी थर्ड साइड की तो यहाँ पर हमें सेक्टर डी के 5 मरला के विलास देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ एक हाई राइज बिल्डिंग जो कि हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट के नाम से 22 किनाल का एक हाई राइज प्रोजेक्ट है जो तकमील के मराहल में है और इसकी चौथी साइड पे सेक्टर बी लोकेट कर रहा है। इस सब को देखते हुए सेक्टर सी 10 मरला प्लॉट की इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सो व्यूअर्स, दिस वॉज इट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कैपिटल स्मार्ट सिटी में किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.makansolutions.com। दीजिए शामिर उस्मानी को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।